Hello students, in the last video we have discussed about projectile given with horizontal projection, and in this video we are going to study about projectile given angular projection. तो हमने horizontal projectile जो motion था वो पढ़ लिया था, अभी हम angular projectile motion को study करेंगे. So angular projectile motion देखिए क्या होता है. When a body is projected with initial velocity u making an angle theta with the horizontal direction, द वेलोसिटी यू हैज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई ये कुछ हमारे पास किसी क्लिफ पर या किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ से जब हम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करता है. यहाँ पर हमने उसको फेंका था विद वेलोसिटी यू अलोंग द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने उसको थ्रो किया था, और उसके दो तरह के मोशन थे. एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो कि उसका यूनिफॉर्म मोशन था सेम वेलोसिटी के साथ पूरे रास्ते, जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू थी यहाँ पर, और एक उसका मोशन था वर्टिकल मोशन, मतलब वो आगे भी जा रहा था और नीचे भी आ रहा था. दोनों तरह के मोशन यहाँ पर थे. तो एक इसका वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन था जो कि था ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. सो जो इसका वर्टिकल मोशन था वो हमारा था एक्सेलरेटेड मोशन, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन था वो इसका यूनिफॉर्म मोशन था. अभी हम बात करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्शन की. तो एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन में हम किसी पार्टिकल को किसी एंगल से थ्रो करते हैं. सपोज किसी एंगल से आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो वो इस तरह का पाथ जो है वो बॉल फॉलो करेगी यहाँ पर. तो आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो करोगे किसी एंगल पर. तो सपोज थीटा एंगल पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद वेलोसिटी यू. तो यहाँ पर ये जो u है, इस u के हम दो कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं. एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ux, और एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग y एक्सिस. ये y एक्सिस हो गया हमारा. एक कंपोनेंट इसके अलोंग हो जाएगा, दैट विल बी uy. तो ux की वैल्यू यहाँ पर होगी u cos थीटा. भाई ux की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos, सो u cos थीटा. और ये जो uy वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा u sin थीटा. मतलब जो हमने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, इस प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटीज होगी. नंबर वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज यू कोस थीटा, एंड नंबर टू अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज यू साइन थीटा. तो यहां पर भी इसके दो तरह के मोशन हो गए. ये आगे भी जाएगा और ऊपर नीचे भी. भाई जैसे जैसे यहां पर टाइम बीतेगा ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से आगे मूव करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगा और साथ में ये ऊपर भी जाएगा, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है और फिर नीचे आएगा. मतलब इसके दो तरह के मोशन है, एक तो एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग. जो एक्स के अलोंग मोशन है उसको हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, और जो वाई के अलोंग मोशन है उसको मैं कह रहा हूँ वर्टिकल मोशन. जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा. जो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा. हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन क्यों होगा, क्योंकि भाई हमने उस प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो किया है तो वो जो प्रोजेक्टाइल है उसका मोशन एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन है, बट उसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाई एक्सेलरेशन जो होगा, अर्थ किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करती है, अर्थ मतलब किसी भी चीज़ को हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं वो एक्सेलरेट करती है, और वो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब परपेंडिकुलर होता है उस पॉइंट पे, ठीक है. यहाँ से अगर आप किसी चीज़ को छोड़ोगे तो वो यहाँ पर अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी परपेंडिकुलर. मतलब ये जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे थोड़ी है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में थोड़ी होगा, एक्सेलरेशन तो यहाँ पर नीचे की तरफ होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा. तो इसलिए जो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, ये पूरे रास्ते सेम होने वाली है. मतलब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी u cos थीटा होगी, जब ये यहाँ पर होगा तब भी वेलोसिटी u cos थीटा होगी, जब ये यहाँ पर होगा तब भी u cos थीटा होगी. पूरे रास्ते इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है. और अगर हम बात करें वर्टिकल वेलोसिटी की, तो वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा. तो ये देखिए वर्टिकल वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है, अब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो
इस एक्सेलरेशन के कारण इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम पे जाके जब ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर हो जाएगी जीरो। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी जीरो, बट इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी यू कोस थीटा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसके बाद अब अर्थ उसको वापस नीचे की तरफ खींचेगी तो फिर एक्सेलरेशन अभी भी उतना ही है, तो अब एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी और इस तरह से उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो जब ये बिल्कुल ग्राउंड पर गिरेगा तब उसकी जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है एक एंगुलर प्रोजेक्शन वर्क करता है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा विच रिमेंस कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कोस थीटा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें देन द वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा विच चेंजेस विद टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा पहले डिक्रीज होगा, इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर ये हो जाएगा जीरो और इसके बाद फिर ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये इंक्रीज होगा यहां पर, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सो दिस कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट ए एंड आफ्टर विच इट अगेन इंक्रीजेस, और इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद ही फिर से इंक्रीज होगा टिल द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जब तक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट नहीं करता तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यहां पर फिर हिट करेगा ग्राउंड को। सो एंगुलर प्रोजेक्शन पे हम बात करते हैं। सो फॉर दिस सपोज द बॉडी रीचेस एट पॉइंट पी दैट इज एक्स वाई आफ्टर टाइम टी, तो एक बॉडी है जो कि किसी पी पॉइंट तक पहुंच गई है, यहां पर मान लेते हैं दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। इस पी पॉइंट तक जब ये बॉडी पहुंचेगी तो मैं यहां पर एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। सो ये हमारा एंगुलर प्रोजेक्शन यहां पर हो गया और किसी पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई कंसिडर कर रखे हैं, टी टाइम पर ये बॉडी यहां पर है। सो इन दैट केस भाई इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं यहां पर कितनी है, वी मान लेते हैं, जो कि हम टेंजेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो टेंजेंट है ये इसकी वेलोसिटी को बताएगा। अब इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं, तो एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी एक्स और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी वाई, वी वाई यहां पर ये इसके दोनों कंपोनेंट्स यहां पर हो गए वी एक्स एंड वी वाई। Vx जो है ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, Vy इसका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमने इसको u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था तो ये हो गया u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया u sin थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सो इन दैट केस जो आपका ux है और uy है, तो ux की वैल्यू अगर आप देखना चाहोगे तो ux की वैल्यू यहां पर होगी u cos थीटा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो vy है इसकी वैल्यू u sin थीटा नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है और ये इससे कुछ कम हो जाएगा जैसे जैसे हाइट पर जाएगी, डिक्रीज होता जाएगा uy जो फैक्टर है यहां पर, ये कम होता जाएगा। सो इस केस में हम बात करेंगे जब हमारी जो बॉडी है वो P पॉइंट पर होगी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। तो x यहां पर ये इतनी जो वैल्यू है इसकी ये हो गई x, भाई ये जो इसने मोशन कवर किया है x के अलोंग यहां तक है, तो ये जो है ये हो गई x और y की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, दिस इज y, ये यहां पर y की वैल्यू हो गई इतनी। सो y और x, तो यहां पर देखिए हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। सो सपोज द बॉडी रीचेस पॉइंट पी एक्स वाई आफ्टर टाइम टी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी टी टाइम पे, तो इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पर कवर करी है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हम निकालेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हियर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू कोस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई हमारी यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमने मान लिया है यहां पर टी। सो टी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा, सपोज दिस इज इक्वेशन वन, तो हमने टाइम की वैल्यू निकाली दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा। इस टाइम की वैल्यू को हम पुट करेंगे जब हम वाई की वैल्यू यहां पर निकालेंगे, वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। सो फॉर वर्टिकल मोशन डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन जो वर्टिकल हमारी डिस्टेंस है, तो पॉइंट पी यहां पर, इस पॉइंट पी पर है हमारी बॉडी, वाई जो है ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स के अलोंग यहां पर इतनी, और ये एक्स डिस्टेंस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इस एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है यू कोस थीटा इंटू टी,
और यहाँ से जो y है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो y का जो मोशन है वो y के अलोंग जो मोशन है दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है डायरेक्ट यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम बिकॉज इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर हमें हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। सो फॉर वर्टिकल मोशन डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी इज गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं। सो हेयर एस इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर जो एस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट उसको हमने कंसिडर कर लिया वाई। भाई देखिए इस पॉइंट पर वाई के अलोंग वर्टिकल जो मोशन है कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करिए, ये हमने वाई माना है इसको कोऑर्डिनेट, तो ये हो गई ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर हो गई वाई। सो एस इज इक्वल्स टू वाई। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली जब हमने थ्रो किया था तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग कितनी थी, यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग यू कोस थीटा। तो हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम वर्टिकल वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे दैट इज यू साइन थीटा। सो यू इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा एंड ए इज माइनस जी। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो माइनस जी होगा। माइनस क्यों, क्योंकि जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हमेशा जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो इन दैट केस हम ए को यहां पर जी कंसिडर करेंगे, ठीक है, सॉरी माइनस जी कंसिडर करेंगे। नेगेटिव साइन क्यों है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली टुवर्ड द अर्थ, एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, बॉडी का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, इस कारण से हमने यहां पर एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसिडर किया है। सो यहां पर ये वैल्यूज को हम पुट करते हैं, एस इक्वल्स टू वाई, यू इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी हाफ, ए की जगह हमने पुट कर दिया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है, एक्स डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा माइनस वन बाय टू जी, टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है एक्स डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा, सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बिकॉज हियर इज टी स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, सो यू से यू कैंसिल आउट हो गया, वाई इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा दैट इज टेन थीटा, सो इट इज एक्स टेन थीटा माइनस। अब यहां पर एक्स स्क्वायर को मैंने अलग लिख लिया, बाकी सारे को एक साथ लिख लिया, सो जी डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, जी डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए भाई टेन थीटा जो है वो एक तरह का कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार जब हमने किसी एंगल पर उस बॉडी को थ्रो कर दिया तो थीटा तो चेंज नहीं होगा, थीटा तो हम भाई जो भी है थीटा तो आपने 90 पर फेंका तो ये 90 ही रहेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बीच में ये चेंज हो जाएगा। सो दिस इज अ कांस्टेंट टेन थीटा, तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट इसका नाम रख देता हूं दैट इज पी, तो मैंने इसको लिख दिया पी यहां पर इंटू एक्स माइनस। अब यहां पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर 9.8 होता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यू दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, आपने जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको फेंका है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी पूरे रास्ते चेंज नहीं होगी। सो यू इज कांस्टेंट एंड थीटा इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, सो दिस इज अ होल कांस्टेंट। तो यहां पर जो हमारा क्यू डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है उसको मैं एक अलग नाम रख देता हूं और इसको मैंने रख दिया यहां पर क्यू, सो मैं इसको लिख दूंगा यहां पर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। तो अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, यहां पर पी की वैल्यू है टेन थीटा एंड क्यू इज जी डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। सो इन दैट केस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फ्रॉम देयर वी कैन से दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहां पर ये क्या बता रहा है, ये शो कर रहा है, ये इक्वेशन बता रही है कि जो हमारा इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो पाथ होगा, वो पाथ किस तरह का होगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो पाथ है एक पैराबोलिक पाथ है, सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट द पाथ इज पैराबोलिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा कि जितने वक्त तक ये जो प्रोजेक्टाइल है वो एयर में रहा उस टाइम को हम बोल रहे हैं यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, जो टोटल टाइम है जिसमें हमारा प्रोजेक्टाइल पूरे फ्लाइट में रहा है, एयर में रहा है, उस टाइम को हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कंसिडर कर लेते हैं टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, सो इफ टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज जीरो। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर हमारा कैपिटल टी हमने कंसिडर किया हुआ है, तो यहां पर जो नेट वर्टिकल, मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए जब हमारा प्रोजेक्टाइल है वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके वाई के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगी, सपोज वन हुई, टू हुई, थ्री हुई, फोर हुई, यहां पर वो फाइव हो गई, तो ये जो इसकी यहां पर डिस्प्लेसमेंट है वाई के लॉन्ग ये हो गई मैक्सिमम।
इसके बाद जब वो नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 5 से 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी और यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। जब ये बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा तो y के अलोंग इसके डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, y यही है ना। आपने किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वापस वो नीचे भी आएगी, मतलब यहाँ पर जो इसकी वाई के अलोंग जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, वो जीरो है, ठीक है, क्योंकि वाई के अलोंग तो ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। अगर ये एयर में रह जाती है कहीं किसी पॉइंट पर, ठीक है, तब इसकी वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगी, अदरवाइज यहाँ पर नहीं होगी। तो इसके वाई के अलोंग जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर हो जाती है जीरो। सो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, अपने पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉडी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो यहाँ पर जीरो होगी। और अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो इतनी हो जाएगी। तो पूरे मोशन में बॉडी केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कवर नहीं कर रही है, बिकॉज हमने उसको ऊपर फेंका, वाई के अलोंग ऊपर गई और फिर से वो नीचे आ गई, तो वर्टिकल यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वेयर, सिंस हम वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्सेलरेटेड मोशन वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। सो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वेयर। यहाँ पर एस जो है दैट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा जीरो। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, यूज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी देखो आप वर्टिकल के अलोंग कितनी है, तो यू कोस थीटा है ये तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, और यू साइन थीटा ये है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। सो वर्टिकल के अलोंग हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर यू की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन माइनस जी, जैसे एज यूजुअल पीछे था, एक्सेलरेशन यहां पर पूरे रास्ते माइनस जी रहेगा। टी टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टी दैट इज कैपिटल टी, हम टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैपिटल टी कंसिडर किया हुआ है, तो टी को हम कैपिटल टी पुट करेंगे। सो यहां पर मैंने एस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जीरो पुट किया, यू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया यू साइन थीटा, टी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, माइनस वन बाय टू जी, माइनस क्यों आया क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर होगी माइनस जी, सो माइनस वन बाय टू जी, और टी की जगह हमने पुट कर दिया कैपिटल फ्लाइट, सॉरी कैपिटल टी दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो द इक्वेशन विल बिकम यू साइन थीटा इंटू टी माइनस वन बाय टू जी टी स्क्वेयर, सो फ्रॉम हेयर हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, दिस विल बिकम पॉजिटिव। सो टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम हेयर यू साइन थीटा जो है यहां पर डिवाइड में चला जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से हमारा आ जाएगा 2u sin theta divided by g, time of flight is 2u sin theta divided by g। यहां पर एक t से t ये कैंसिल हो गया, और यहां से इस t की आप वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 sin theta और g इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 sin theta divided by g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द होल टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। सो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज की। सो हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने यहां से उसको थ्रो किया और वो यहां पर आके गिरी है, तो ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी जिसको मैंने कंसिडर किया हुआ है कैपिटल R से। सो कैपिटल R इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। सो इस केस में लेट आर बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो मोशन है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए डायरेक्ट यूज कर देंगे क्वेश्चन दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो आर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, और यहाँ पर हमें मिल जाएगी रेंज। सो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो आर इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी है, तो हमने यहां पर इसको यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है जो कि पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर हो गई यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, सो यहां पर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो रेंज विल बिकम 2 u into u u square cos theta into sin theta, so 2 u square sin theta into cos theta divided by g। अब यहां पर आप देखिए 2 sin theta into cos theta, so 2 sin theta into cos theta होता है sin 2 theta, तो इस 2 sin theta cos theta को मैं पुट कर सकता हूं sin 2 theta और u square यहां पर as it is रह गया, so u square sin 2 theta divided by g, this is a range। तो यहां पर हमारी रेंज निकल गई, और यहां से हम कह सकते हैं that range will depend upon initial velocity,
रेंज एक तो डिपेंड करेगी इनिशियल वेलोसिटी से, जितनी ज्यादा आप हायर वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो करोगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पर रेंज होगी, जितनी ज्यादा तेज जितनी ज्यादा स्पीड से आप इसको फेंकोगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पर रेंज होगी। प्लस यहाँ पर रेंज डिपेंड करेगी थीटा पर, और साथ में यहाँ पर रेंज डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी, जितनी कम ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा रेंज होगी, जितनी कम ग्रेविटी होगी उतनी ही ज़्यादा रेंज होगी। मतलब अगर आप सेम वेलोसिटी के साथ किसी चीज़ को थ्रो करें मून पर और अर्थ पर, तो मून पर वो चीज़ जो है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो रेंज ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है उसके लिए हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। सो इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, तो जितनी भी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हमारा प्रोजेक्टाइल अटेन करेगा, जितनी मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंचेगा उसी को हम मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर की तरफ गया है, सो यहाँ तक उसने मैक्सिमम हाइट अपनी एच हाइट तक गया है, और उसके बाद फिर उसकी हाइट फिर से कम हो गई और नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया उसका जीरो। सो एच इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम एच हाइट तक ये जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे, सो एट द हाईएस्ट पॉइंट ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो एच हमने यहाँ पर मैक्सिमम हाइट को कंसिडर कर लिया, और जब ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर ए पर होगा तो इस पॉइंट पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने उसको फेंका है यू साइन थीटा, भाई यू वेलोसिटी के साथ फेंका है और वर्टिकल इसकी वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी के साथ मैंने इसको थ्रो किया। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा ऊपर जाएगा, इसका जो यू साइन थीटा का कंपोनेंट है वो कम होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनल पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और अब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब अब ये और हाइट तक नहीं जा सकता, अब ये केवल इतनी ही हाइट तक रहेगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई है। फिर एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ये नीचे की तरफ अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी और फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू करेगी। तो मतलब ए पॉइंट पर इसकी जो नेट वेलोसिटी है, नेट वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर हो जाएगी जीरो। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ पर हो गया जीरो। हम इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू ए एस, तो यहाँ पर वी की वैल्यू हो जाएगी वी इक्वल्स टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो से एच हाइट तक पहुंचने पे, तो वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया फाइनल वेलोसिटी का जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू साइन थीटा, सो इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा, ए इज माइनस जी एंड एस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इसकी हो गई कैपिटल एच। यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, सो v की जगह हमने जीरो पुट किया, u की जगह हमने u साइन थीटा पुट किया, a की जगह हमने माइनस जी पुट किया, और s की जगह हमने पुट किया यहाँ पर h। सो जीरो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टू जी एच, यहाँ पर माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, सो फ्रॉम हियर h इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट ए प्रोजेक्टाइल कैन अटेन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई जो मैक्सिमम हाइट होगी वो डिपेंड करेगी इनिशियल वेलोसिटी पर, जितनी ज्यादा आप उसको इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ थ्रो करोगे उतनी ही ज्यादा उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, एक तो हाइट पर डिपेंड करती है, दूसरी ग्रेविटी पर डिपेंड करती है, ग्रेविटी पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा यहां पर ग्रेविटी बढ़ेगी उतनी ही हाइट यहां पर कम हो जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। सेकेंड थीटा पर डिपेंड करेगी, जो आपका थीटा है वो कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की, कि हमारी जो रेंज है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, कि हम ऐसा क्या करें कि जो रेंज है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब उसको मैक्सिमम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करेगा वो कब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए हम देखते हैं। तो देखिए हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिलेशन ड्राइव क्या है, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू वन। देखिए आर को मैक्सिमम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर वन हम यू को यहां पर इंक्रीज करा सकते हैं, क्योंकि जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास यहां पर रेंज इज यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो यहाँ पर देखिए आर को मैक्सिमम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर मैक्सिमम कब होगा यहाँ पर, नंबर वन यू, अगर यू को हम इंक्रीज कराते हैं, अगर यू यहाँ पर इंक्रीज होता है
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब आर जो है यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहली चीज तो रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए हम इंक्रीज कर सकते हैं यू को। दूसरी चीज यहाँ पर जी अगर कम होता है तो भी रेंज मैक्सिमम होती है, बट जी को हम यहाँ पर कम नहीं करा सकते। और एक बार हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया तो यू भी वहां पर चेंज नहीं हो सकता। अब बात रह गई यहाँ पर साइन टू थीटा, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन टू थीटा मतलब होना चाहिए हमारा मैक्सिमम, साइन टू थीटा शुड बी मैक्सिमम। और साइन टू थीटा मैक्सिमम हो सकता है मतलब मैक्सिमम ये वन हो सकता है, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है वन, मिनिमम होती है -1। तो ये हो गया वन। अब साइन टू थीटा वन, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन वन। अब साइन वन कितने पर होता है, साइन वन यहां पर होता है 90 डिग्री पर। सो साइन वन को मैं लिख सकता हूँ साइन 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है यहाँ पर वन। साइन से साइन कैंसिल हो गया, टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहां पर थीटा कितना आ गया, 45। मतलब अगर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो 45 डिग्री के एंगल पर, आप उसको थ्रो करते हो 45 डिग्री एंगल पर, तो उसकी जो रेंज होगी वो वहां पर मैक्सिमम रेंज होगी। ठीक है, तो ये बात है मैक्सिमम रेंज के लिए, जो हमारा थीटा है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। थीटा यहां पर 45 डिग्री होना चाहिए। सो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन टू थीटा इक्वल्स टू वन एंड साइन टू थीटा इक्वल्स टू वन। वन वैल्यू होती है साइन की 90 पर, सो साइन 90 फ्रॉम हेयर साइन टू साइन कैंसिल आउट, सो टू थीटा इज 90 डिग्री एंड थीटा इज 45। सो एट द एंगल 45 द रेंज विल बी मैक्सिमम। सो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री एंड मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय मैक्सिमम रेंज। यहां से हम निकाल सकते हैं आर मैक्सिमम यू यू स्क्वेयर जी, किसी पर्टिकुलर यू और जी की वैल्यू के लिए साइन टू थीटा। टू थीटा यहां पर कितना होना चाहिए, टू थीटा शुड बी 90, सो साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, सो आर मैक्सिमम इज यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी एंड आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर बाय जी। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए आप यहां पर यू को इंक्रीज करा सकते हो, प्लस अगर जी को डिक्रीज करा सकते हैं, ठीक है, बट जी को हम यहां पर कम ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एंगल्स फॉर प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। सो टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। सो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहां पर अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ 90 माइनस थीटा से, सो आई रिप्लेस थीटा बाय 90 माइनस थीटा, सो द रेंज विल बिकम, सपोज न्यू रेंज इज आर डैश। आर डैश यहाँ पर बराबर होगी यू स्क्वेयर साइन टू थीटा की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको सोल्व करेंगे, सो आर डैश इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन 2 into 90 180, 180 माइनस 2 थीटा। और 180 में से कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पर आप जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, सो साइन 180 माइनस थीटा विल बिकम साइन 2 थीटा। सो यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारे रेंज का फॉर्मूला है वही आ गया सेम। तो अगर मैंने थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया तो रेंज मेरी जो है वही रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम रेंज है यहां पर, तो यहां से हम बोल सकते हैं आर इक्वल्स टू आर डैश। सो आर इक्वल्स टू आर डैश फोर थीटा एंड फोर 90 माइनस थीटा। मतलब दो एंगल्स पर, थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पर हमारी एक ही रेंज आती है। तो हमें एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, तो हम यहां पर दो एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकते हैं, या तो थीटा एंगल पर थ्रो करें या 90 माइनस थीटा एंगल पर थ्रो करें, दोनों ही एंगल पर हमारी जो रेंज है वो सेम आएगी यहां पर। हेंस फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ए प्रोजेक्टाइल हैज सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड माइनस थीटा। तो यहां पर किन्हीं भी दो एंगल के लिए, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए हमारे पास दो रेंज होगी, ठीक है, या सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। सो फॉर एग्जाम्पल आर इज सेम फॉर थीटा इक्वल्स टू 15। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पर थ्रो करता हूँ, तो यहां पर अगर आप 15 को 90 माइनस 15 करोगे तो आपको मिलेगा 75। तो थीटा यहां पर 15 है, 90 माइनस थीटा हो गया 75। मतलब अगर आप 15 डिग्री पर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो या फिर 75 डिग्री पर थ्रो कर रहे हो, दोनों के लिए जो रेंज है वो सेम रहेगी। जैसे यहां पर देखिए आप, ये जो फर्स्ट जो प्रोजेक्टाइल है इसको थ्रो किया गया है 15 डिग्री एंगल पर, तो हमने इसको 15 डिग्री एंगल पर थ्रो किया है, यहां पर आगे गिरा। अगर मैं इसको 75 डिग्री के एंगल पर थ्रो करता हूं, तो ये मैंने इसको 75 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया, तो इसकी जो रेंज है वो अभी भी सेम है, यही इसी पॉइंट पर ये पहुंचा है। तो मतलब दो एंगल्स हमारे पास होते हैं एक ही सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए।
नेक्स्ट इज फोर आर इज सेम फोर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री पर थ्रो करता हूं तो 90 माइनस 30 दैट इज 60, तो मतलब यहां पर 30 और 60 दोनों के लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो देखिए यहां पर 30 डिग्री पर थ्रो किया है, यहां पर आया है, और 60 डिग्री इसको सॉरी 30 के बाद यहां पर इसको 60 डिग्री पर थ्रो किया गया है तो भी ये वहीं पर आया है यहीं पर, ठीक है। तो 30 के लिए भी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज और 60 डिग्री के लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। सो वी हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड आर इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज 45 डिग्री। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, ये पीछे भी हम देख चुके हैं। तो यहां पर अगर आप 90 माइनस 45 करोगे तो आपको 45 ही मिलेगा, मतलब यहां पर जो हमारे दो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे 45 45, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि 45 डिग्री के लिए हमारे पास मतलब जो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास एक ही एंगल है और वो है 45 डिग्री का। तो अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो करता हूं तब रेंज मेरी मैक्सिमम होगी और यहां पर मेरे पास एक ही एंगल होगा, दो एंगल्स नहीं होंगे। बाकी हर केसेस में मेरे पास दो एंगल पॉसिबल है, एक तो थीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट किसी भी पल अगर आप प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकालेंगे। सो किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या कंसीडर किया, लेट कंसीडर द प्रोजेक्टाइल हैज वेलोसिटी वी एट इंस्टेंट टी व्हेन इट इज एट पॉइंट पी एक्स वाई। जब हमारा प्रोजेक्टाइल एक्स वाई यहां पर एक्स वाई पी पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट है यहां पर एक्स और वाई, तो ये P पॉइंट पर है, इसके कोऑर्डिनेट यहां पर X और Y है, P के कोऑर्डिनेट X और Y है। तो जब ये P पॉइंट पर होगा तो इस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो वेलोसिटी के लिए मैंने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो V हमारी हो गई यहां पर वेलोसिटी। वेलोसिटी के दोनों मैंने कंपोनेंट निकाली, एक हो गया Vx अलोंग द X एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया Vy दैट इज अलोंग द Y एक्सिस। तो t टाइम पर जब हमारा प्रोजेक्टाइल p पॉइंट पर है सो उस समय मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, v निकालनी है। तो देखिए उसको किस तरह से निकालते हैं, तो यहां पर इसके लिए हम वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। v हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यहां पर v के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, नंबर वन vx एंड नंबर टू इज vy। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा, ये हो गया vx की वैल्यू आ गई यहाँ पर u cos थीटा, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है वो चेंज नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल हमारा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, वहां पर हमें एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर v जो है v इज वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, सो v इज वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस दैट इज vy, तो ये हो गई vy के अलोंग वेलोसिटी vy। एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज u sin theta, एंड a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज माइनस g। यहां पर इन सभी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, सो v इज इक्वल्स टू vy, u इज इक्वल्स टू u sin theta, a इज इक्वल्स टू माइनस g एंड t इज इक्वल्स टू t। सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट vy is equals to u sin theta minus gt। हमने vx निकाल लिया, vy निकाल लिया। अगर मेरे को resultant velocity निकालनी है p point पर, तो मैं यहाँ पर according to law of parallelogram निकाल सकता हूँ, theta यहाँ पर 90 degree हो जाएगा, so v is equals to under root vx square plus vy square plus 2vx vy cos 90 degree। so मेरे पास बचेगा v is equals to under root vx का square plus vy का square। vx की value यहाँ पर मैं put करूँगा u cos theta, so u square cos square theta, vy is u sin theta minus gt, so u sin theta minus gt is का whole square। so from here u square cos square theta यहाँ पर हम लगाएंगे a minus v का whole square, so u square sin square theta plus g square t square minus 2ab, so 2u square 2u को 2u sin theta into gt into sin theta, so u square sin cos square theta plus u square sin square theta plus g square t square minus 2u gt into sin of theta। यहाँ पर देखिए आप u square cos square theta और u square sin square theta, इसमें से मैं u square को common ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा u square cos square theta और यहाँ पर बचेगा sin square theta, so cos square theta plus sin square theta that is 1 प्लस बाकी का सेम है पीछे g square t square minus 2u gt into sin of theta, so v is u square, this will become 1 plus g square t square minus 2u gt sin theta। so ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पर जब होगा तो यहां पर ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी।
सो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट निकाली अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई एट इंस्टेंट टी। तो किसी भी टाइम पीरियड पर अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ डायरेक्शन की। सो इफ वेलोसिटी मेक्स एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, सॉरी मैंने यहाँ पर एंगल थीटा लिख दिया, यहाँ पर मैं इसको बीटा कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर बीटा एंगल यहाँ पर बन रहा है, वेलोसिटी जो है ये बीटा एंगल यहाँ पर बना रही है, इफ दिस एंगल इज बीटा, इन दैट केस मैं टेन बीटा निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला आएगा यहाँ पर होगा vy डिवाइडेड बाय vx। सो tan बीटा हमने यहाँ पर निकाल लिया, vy डिवाइडेड बाय vx परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो ये हो गया यहाँ पर vy और ये हो गया यहाँ पर vy, ये हो गया यहाँ पर vx, vy डिवाइडेड बाय vx। सो u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा। भाई vy जो है अभी पीछे हमने निकाला है, vy की वैल्यू कितनी है u sin थीटा माइनस gt, और vx की वैल्यू है u cos थीटा। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया और यहाँ पर मैंने डायरेक्शन भी निकाल ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, बिल्कुल एंड पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। सो एंड पॉइंट पर यहाँ पर हम वेलोसिटी निकालते हैं एट द एंड ऑफ द फ्लाइट टाइम ऑफ द फ्लाइट टी इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। बिल्कुल भाई, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला है, दैट इज यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो अगर मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ द फ्लाइट, तो यहाँ पर देखिए जब प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर पहुंचेगा तो ये एंड ऑफ द फ्लाइट होगा। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ कितनी, वी डैश। सो सपोज दिस वेलोसिटी इज वी डैश, तो मैं इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर सकता हूँ, वन कंपोनेंट विल बी वी एक्स और दूसरा कंपोनेंट हो गया यहाँ पर वी वाई। सो इन दैट केस वेलोसिटी एट इंस्टेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल लास्ट इंस्टेंट मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो टी पर मैं मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो मतलब जो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला है वेलोसिटी एट इंस्टेंट निकालने का, तो यहाँ पर ये मैंने टी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी है। अगर मेरे को कैपिटल टी इंस्टेंट पर निकालनी है तो मैं यहाँ पर टी की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा कैपिटल टी, यहाँ पर टी की जगह वैल्यू हो जाएगी कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मुझे फॉर्मूला पता है, कैपिटल टी इज टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इस कैपिटल टी की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो यहां पर जो v डैश है, जो हमारी नई वेलोसिटी है, वो हो जाएगी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह यहां पर टाइम पीरियड दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी इसका होल स्क्वायर। सो 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर माइनस 2ug इनटू टी। अब ये जो टी है यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से इसकी वैल्यू पुट कर दी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी इनटू sin थीटा, and from here u square plus 4u square sin square theta g square से g square यहाँ पर cancel out हो गया, minus 2u g से g यहाँ पर cancel out, so 2 into 2 4 u into u square sin square theta sin theta into sin theta sin square। सो नेक्स्ट यहाँ पर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा से यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर। अब स्क्वेयर से अंडर रूट आउट कैंसिल आउट, सो वी डैश इज इक्वल्स टू यू, वी डैश इज इक्वल्स टू यू। तो ये क्या हुआ, हमारे पास जो वेलोसिटी आई एट द एंड ऑफ द पॉइंट वो बराबर आ गई जो हमने शुरू में उसको फेंका था। भाई शुरू में हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका था विद वेलोसिटी यू, हमने इस प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था, और ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है वी डैश, दिस वी डैश वेलोसिटी, ये वी डैश वेलोसिटी हमारे पास आ गई वी यू के बराबर। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को हमने जितने वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था वो उतनी ही वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे गिरता है। अगर हम एंगल की बात करें कितने एंगल पर गिरेगा, ये एंगल जो है जो कि मैंने यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, इस एंगल की अगर मैं बात करूँ तो इस एंगल को अगर हम थीटा ना मान के बीटा मान ले, और अगर यहाँ पर हम टेन बीटा निकालते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन 6 टेन बीटा यहाँ से अगर हम निकालेंगे, सो यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। अब टी की जगह हम पुट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर निकाल रहे हैं, सो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय u cos थीटा, एंड फ्रॉम हियर g से g कैंसिल आउट हो गया, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अब u sin थीटा में से 2u sin थीटा माइनस होगा तो यहां पर बचेगा माइनस u sin थीटा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, सो माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा, यू से यू कैंसिल आउट, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस टेन थीटा, सो टेन बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन थीटा, यहाँ पर टेन से टेन कैंसिल आउट एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा।
तो हमारे पास बीटा जो एंगल है वो बराबर आ गया माइनस थेटा के, मतलब ये जो एंगल है इसको अगर मैं बीटा मानूं तो ये जो बीटा एंगल है किसके बराबर आएगा, जिस एंगल के साथ मैंने इसको थ्रो किया था उसका माइनस। माइनस का मतलब कि है कि अब ये जो एंगल है, ठीक है, अब ये एंगल, पहले ये एंगल ग्राउंड पे ऊपर की तरफ बन रहा था, अब यही एंगल ग्राउंड पे नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन अपीयर हुआ है। सो वी कैन सी दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन ए बॉडी रिटर्न टू ग्राउंड एट द सेम एंगल एंड विद द सेम स्पीड एट विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। तो यहाँ पर किसी भी बॉडी को जिस स्पीड के साथ और जिस एंगल के साथ हम प्रोजेक्ट करेंगे वो उसी स्पीड के साथ और उसी एंगल के साथ वापस आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 30 डिग्री से और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो ये जब ग्राउंड पर टकराएगा तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही होगी और इसकी जो डायरेक्शन है वो 60 पे फेंका है तो 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगा विद द ग्राउंड। फर्क सिर्फ इतना होगा यहाँ पर ये जो एंगल है ग्राउंड से ऊपर बन रहा था, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का ग्राउंड से नीचे की तरफ बनेगा। सो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है जब हम उसको किसी एंगल पर फेंकते हैं, ठीक है, किसी एंगल पर यहाँ पर हम उसको फेंकेंगे, सपोज हम उसको यू वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, किसी थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो ये जो यू वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट यहाँ पर हम रिजोल्व कर सकते हैं। एक तो होगा अलोंग द ग्राउंड, दैट इज यू कोस थीटा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस जो कि होगा यू साइन थेटा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कोस थेटा, ये पूरे रास्ते सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यहाँ पर आपको मिलेगी यू कोस थेटा, हर पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मिलेगी यू कोस थेटा। अच्छा, ये तो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये पहले तो डिक्रीज होगा क्योंकि भाई वर्टिकल जो इसका मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यू साइन थीटा। तो क्या होगा, कुछ वेलोसिटी यहाँ पर इसकी डिक्रीज होगी और धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी और जब बिल्कुल एंड पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी जीरो। जीरो वेलोसिटी होने के बाद अब एक्सेलरेशन तो अभी भी एक्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन के कारण अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर आपने जितनी वेलोसिटी के साथ आपने इसको यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था तो ये बिल्कुल यू वेलोसिटी के साथ ही नीचे गिरेगा, आपने इसको थीटा एंगल से फेंका था तो एक ग्राउंड के साथ नीचे की तरफ थीटा एंगल बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन, तो ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी y इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसके बाद हमने यहाँ पर निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आया था टू यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर यहाँ पर आपको थीटा पता है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये कितनी देर में यहाँ पर जो है प्रोजेक्टाइल यहाँ पर जाके गिरेगा, ठीक है, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करोगे वो कितनी देर में यहाँ पर आके गिरेगा। आपको एंगल पता होना चाहिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए और जी की वैल्यू तो पता होती है। थर्ड हमने यहाँ पर निकाला है रेंज, रेंज जो है वो हमारी आई है यहाँ पर यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, दिस इज रेंज, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पर निकाली है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारा आया है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट, और साथ में यहाँ पर हमने मैक्सिमम रेंज भी निकाली है, मैक्सिमम रेंज की अगर मैं बात करूँ आर मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम के लिए क्या था, साइन टू थीटा की वैल्यू वन होनी चाहिए, तो ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आती है, और रेंज मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, जो थीटा है दैट शुड बी 45 डिग्री, जब थीटा 45 डिग्री होता है तो यहाँ पर रेंज मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम रेंज निकाला, मैक्सिमम रेंज के बाद हमने बात कही वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट,
किसी भी इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, और वहां पर हमारा फॉर्मूला आया था किसी भी इंस्टेंट अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी वी निकालनी है, देन अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का, किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का। अगर आपको एंगल निकालना है तो यहाँ पर आप टेन बीटा निकालो किसी भी इंस्टेंट, भाई यहाँ पर यू वेलोसिटी है तो ये कितने एंगल पर है, ये अगर एंगल आपको यहाँ पर निकालना है तो ये जो बीटा एंगल है ये कितना हो जाएगा, टेन बीटा विल बी यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर टी को अगर हम कैपिटल टी के बराबर फुट करें, मतलब अगर हम जब वो लास्ट में अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो जो हमारी नई वेलोसिटी है वो यू के बराबर ही आती है, और जो बीटा है वो बराबर आता है थीटा के। कब होगा ये, व्हेन व्हेन टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, मतलब बिल्कुल लास्ट में जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमने डिस्कस करी है। और एक बात और कि भाई किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, एक तो एंगल होता है थीटा और एक एंगल होता है 90 माइनस थीटा। इन दो एंगल्स के लिए सेम रेंज होती है। भाई सपोज आप किसी प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री एंगल पर थ्रो करो तो आप 90 माइनस 40 करोगे, 90 माइनस 40 करोगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, तो 40 हो गया, 90 माइनस 40 50। ठीक है, तो मतलब 40 डिग्री पर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करो या 50 डिग्री पर थ्रो करो, ठीक है, दोनों के लिए सेम रेंज होने वाली है। आप एक प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री पर थ्रो करोगे वो यहां पर आएगा, ये 40 डिग्री एंगल, आप उसको 50 डिग्री एंगल पर थ्रो करोगे तब ये यहीं पर आएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास सेम रेंज के लिए दो एंगल्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हो प्रोजेक्टाइल को, या फिर आप 90 माइनस 60 एंगल मतलब 30 डिग्री पर थ्रो करते हो, तो 30 और 60 दोनों के लिए हमारे पास सेम रेंज होगी। जो रेंज है दोनों के लिए यहाँ पर सेम होगी। आप प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पर थ्रो करो या फिर आप उसे 60 डिग्री पर थ्रो करो, दोनों ही केस में ये जो रेंज है ये सेम होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एंगुलर प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल जो है वो कंसिडर करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव दैट ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबोव द हॉरिजेंटल। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू रिटर्न द सेम लेवल हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। तो ये सारी चीजें हमको निकालनी है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सो द गिवन इज दैट द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 28 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट यू हमको दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है, और इस यू की वैल्यू हमारे पास है 28 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एंगल दिया हुआ है थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। सो थीटा इज 30 डिग्री। सबसे पहले हम बात करते हैं ए केस में हमको यहाँ पर निकालनी है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था, मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सो यू इज 28 का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, और सॉरी 2 into g, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और यहाँ पर जब आप इन वैल्यूज को पुट करके इसको आप सोल्व करोगे तो ये जो हाइट है ये आपके पास आएगी 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम बी पार्ट में बात करते हैं। बी पार्ट में हमको पूछा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, बॉल को सेम लेवल में रिटर्न करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो 2u इज 28 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय sin ऑफ थीटा, सो sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, दैट इज 9.8। और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा अबाउट 2.9 सेकेंड, मतलब उस प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करोगे उसको ग्राउंड पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 2.9 सेकेंड लगेंगे।
नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थ्रो फ्रॉम थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। भाई जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है थ्रोअर जब उसको फेंकेगा जब वो सेम लेवल पर आ जाएगी, तो मतलब ये आपको निकालनी है यहाँ पर रेंज। तो रेंज के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, रेंज इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो रेंज के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला रेंज इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो यू इज 28, सो 28 इसका स्क्वायर इंटू साइन टू इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। और यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको रेंज मिलेगी अबाउट 69.3 मीटर। मतलब ये इतने डिस्टेंस पर जो है आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पर जाएगा। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक बॉडी को 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है 30 डिग्री एंगल पर विद वर्टिकल। तो मतलब अब जो हमारे पास ये जो एंगल दिया हुआ है कि इस बॉडी को फेंका गया है 30 डिग्री, ठीक है, इस एंगल पर, इस एंगल पर, लेकिन ये एंगल वर्टिकल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, टोटल एंगल यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सो दिस विल बिकम 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। तो मतलब उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पर फेंका गया? 60 डिग्री पर फेंका गया, या हम बोले वर्टिकल के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री पर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो एंगल यहां पर थीटा हमारा 30 डिग्री नहीं होगा, ये थीटा यहां पर होगा 60 डिग्री। सो देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दी हुई है यू, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमको यहां पर दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हमारे पास थीटा, दैट इज 90 माइनस 30 डिग्री, सो इट इज 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। इसके बाद यहां पर हमको इसमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वन बाय वन करके हम निकालते हैं। नंबर वन यहां पर हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहां पर u की वैल्यू है 30, सो 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। और आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हाइट आपको मिलेगी 34.44 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में हमको यहां पर निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर हो जाएगा कैपिटल टी, दैट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये फॉर्मूला है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय यू इनिशियल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। और यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा अबाउट 5.3 सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड हमको यहाँ पर पूछा है दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बनता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सो यहां पर u की वैल्यू है 30, सो 30, सॉरी ये फॉर्मूला यहां पर है यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर साइन साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। सो ये हो गई हमारे पास रेंज, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगी अबाउट 79.53 मीटर। ये आ गई रेंज हमारे पास, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर एंड रीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। तो हमको यहाँ पर गिवन है सबसे पहले कि रेंज दी हुई है आर, दैट इज 50 मीटर,
50 मीटर हाइट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, रीचेस से मैक्सिमम हाइट है हमारे पास कैपिटल एच, दैट इज 10 मीटर। और हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि थीटा कितना होगा, कि कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था। तो देखिए ये हमारे पास तो हमको हाइट दी हुई है, हमको रेंज दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हमको थीटा निकालना है। जी की वैल्यू हमको यहाँ पर पता होती है, बट यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमको थीटा निकालना है और हमको यू भी नहीं पता, अगर इस फॉर्मूले में देखें इसमें भी हमको थीटा निकालना है और यू नहीं पता, तो दोनों जो फॉर्मूला है हमारे पास दोनों के अंदर 1 2 3 4 चार वेरिएबल्स है यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी चार वेरिएबल्स है, इसमें भी चार वेरिएबल्स, और हमको दो वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, ठीक है, हमको आर पता है, हमको एच पता है और जी पता है, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर पता है। सो इन दैट केस यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हाइट निकालते हैं, हाइट हमारे पास दी हुई है, हाइट इज हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला, इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ, रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास, रेंज इज यू स्क्वेयर साइन 2θ डिवाइडेड बाय जी। सो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, यू स्क्वेयर साइन 2θ को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन वन बाय इक्वेशन सेकेंड। सो एच बाय आर, एच की वैल्यू है यहाँ पर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और यहाँ पर रेंज जो है इसकी वैल्यू है यू स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाई बाय जी यू स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर देखिए जी से जी कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, एंड यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, एंड वन मोर थिंग, साइन 2θ इज नॉट साइन थीटा कोस थीटा, इट इज 2 sin θ इंटू कोस थीटा, सो 2 sin θ इंटू कोस थीटा, यहाँ पर 2 भी आएगा साथ में, सो 2 sin θ इंटू कोस थीटा, फिर एक साइन थीटा से यहाँ पर एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एंड एच बाय आर, एच बाय आर इज इक्वल्स टू सो देर इज साइन थीटा एंड देर इज 2 cos θ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos θ, इट मीन्स इट इज 2 into 2 = 4 cos θ, सो इट इज 1/4 tan θ। अब देखिए अब हमारे पास अब हमको यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, थीटा निकालना है, एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। सो फ्रॉम हेयर tan θ is 4h by r and θ is tan inverse 4h by r, so tan inverse 4h, h की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर h is 10 मीटर डिवाइडेड बाय आर 50 मीटर, सो इट इज टेन इनवर्स 4/5, और यहाँ पर टेन इनवर्स 4/5 इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा अबाउट 338 डिग्री और 39 डिग्री, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो आपका थीटा है वो कितना आ गया 39 डिग्री, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है उसको कितने एंगल पर फेंका गया, 39 डिग्री के एंगल पर इसको थ्रो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। तो हमको क्या करना है, हमको वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल हो जाती है, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होनी चाहिए, उस एंगल पर हमको निकालना है प्रोजेक्शन। सो सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है,
हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, किस एंगल पर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। सो यू स्क्वेयर साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। तो यहाँ पर जी से जी कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, और एक साइन थीटा से एक यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। सो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल्स टू फोर, और वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल्स टू फोर, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स फोर। और यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो ये थीटा जो है इसकी वैल्यू आपको मिलेगी अबाउट 75 डिग्री। ओके, सो मतलब 75 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।